तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइन किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम पॉइंट चार्ज के लिए ही निकाल रहे हैं। ठीक, समझ लीजिए, मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पूरा एरिया इस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इस चार्ज की वजह से हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हम कौन सा चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, और इस चार्ज को टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, और ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब इस आर डिस्टेंस पर इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स भी कौन सा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा, एफ वेक्टर हम बोल देते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ अ पॉइंट चार्ज, इफ अ टेस्ट चार्ज, इफ अ टेस्ट चार्ज is placed at distance, placed at distance, at distance small r from charge q, then force on this charge, then force on this charge, इस चार्ज पर जो फोर्स होगा वो फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे तो फोर्स की वैल्यू होना चाहिए के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये लिखोगे ना फोर्स की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, मीन्स अगर आप इसको लिखोगे तो F की वैल्यू जो होगी वो क्यू नॉट इंटू E लिखोगे, ये लिखोगे तो क्यू नॉट इंटू E लिख दिया, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। और क्यू नॉट इंटू E लिख रहे हैं तो हम इस F की जगह पर कितना लिख देंगे बेटा, क्यू नॉट इंटू E, तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में एफ की जगह हम लिख देते हैं कितना, क्यू ई, देयरफॉर क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट से हमने क्या कर दिया, क्यू नॉट की वैल्यू को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ई जो बना वो ई की वैल्यू बनी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू अ यूनिट चार्ज, अ सिंगल चार्ज। ठीक है ना, एक सिंगल चार्ज की वजह से यहां पर ये E की वैल्यू बन गई। अच्छा ध्यान रखो, फोर्स जो होता था वो दोनों चार्जों पर डिपेंड करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो केवल एक चार्ज पर डिपेंड करती है, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। लिखिए जल्दी से। यहीं पर अगर हम इसका एक वेक्टर फॉर्म भी लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो पहले तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो E है वो E की वैल्यू जो आई थी वो आई थी कितनी है, एक्चुअली इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखें, Q पर प्लस माइनस साइन नहीं लग रहा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है यहां पर। ठीक है, दूसरा इन वैक्टर फॉर्म अगर हम इसमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। अभी अपन इसको बोल सकते थे कि ये आई कैप पर लग रहा है अगर एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर हम बना लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना चाहिए था इसको, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिखोगे, आर कैप, जो भी डायरेक्शन निकल के आएगी वो आपको इसमें लिखना है। तो एक तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, नहीं तो आपको क्या लिख सकते हो और इसके अलावा, अगर आप यूनिट वेक्टर की जगह पर, अगर यूनिट वेक्टर की जगह पर आप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख देते हो तो क्या हो जाएगा,
और इसी का एक फॉर्म बन जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, कितना आएगा नीचे एक मैग्नीट्यूड इसका और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आर क्यू, और यहां पर आर वेक्टर, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी का क्या मतलब, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पूरे पूरे पर उस बॉडी पर चार्ज है, ठीक है ना, इस तरह से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, और इस कंप्लीट चार्ज बॉडी की वजह से आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज आपको इस पॉइंट पर निकालनी है तो आप क्या करोगे, अगर आपको इस एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी की वजह से निकालना है तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक छोटा सा चार्ज कंसिडर कर लेंगे, चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा डी क्यू, कैलकुलस लगाएंगे इसमें डी क्यू होगा, और डी क्यू को फिर यहां से उसी के रिस्पेक्ट में यहां से जो भी एक इसकी डिस्टेंस बन रही होगी सपोज इट इज आर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां जो बनेगी वो कितनी होगी, वो डीई हो जाएगी, क्लियर है, और जो भी उसकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो टोटल चार्ज उस पर जो भी होगा, मान लो हो सकता है टोटल चार्ज इस पर प्लस क्यू हो, तो वो डिपेंड करेगा जो भी निकला जाएगा। अभी अपन एक कंडीशन बना रहे हैं तो हम लिखेंगे इफ एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी इज गिवन, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी, पी कोई पॉइंट है, देन कंसिडर स्मॉल चार्ज ऑन बॉडी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल चार्ज बॉडी की वजह से जो होगी वो कितनी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज बॉडी, तो उसको लिखा जाएगा डीई विच इज इक्वल टू के 1/4 pi epsilon naught के लिए के डी क्यू, कितना लिखेंगे इसको के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म लिखा दैट मीन्स आर कैप। ये तो किसी एक स्मॉल चार्ज के लिए वजह से हो गया, ठीक है, अब क्या लिखा जाए, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट चार्ज, तो कंप्लीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट चार्ज, तो पूरे कंप्लीट चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ई नेट, आपको लिखना चाहिए क्या ई नेट, इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीई, तो इंटीग्रल ऑफ डीई अगर आप इसको लिखोगे तो ई नेट ये लिखा जाएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डी, तो अगर आप इसको लिख रहे हो तो क्या लिखोगे बेटा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, और जो इंटीग्रेशन होगा वो कंप्लीट बॉडी के लिए होगा, ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके लिए होगा, एक कंप्लीट बॉडी के लिए होगा, लिख लीजिए आप इसको।